नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 के बीच में सारंग, तिरहुत, हाजीपुर और पूर्णिया के क्षेत्र में रहने वाली नोनिया जनजाति ने किया, जो शोरा का व्यापार दूसरे व्यापारी से करना चाहती थी, किंतु अंग्रेज उनका दमन कर रहे थे। तामड़ विद्रोह 1789 से 1794 के बीच छोटा नागपुर के उराव जनजाति ने किया, जमींदारों के शोषण के विरुद्ध। वहाँ भी आंदोलन 1822-67 के बीच में हुआ। इसके प्रवक्ता थे सैयद अहमद बरेली। पटना में इसके मुख्य नेता थे विलायत अली खान। कोल विद्रोह 1831-32 के बीच में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ, चावल की शराब पर उत्पाद शुल्क के विरोध में, और इसके प्रमुख नेता थे बुद्धो भगत। संथाल विद्रोह 1855-56 के बीच में भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र के बीच हुआ, जो दामने कोह के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धू, कानू चांद और भैरव इसके प्रमुख नेता थे, और यह विद्रोह दीकुओं के विरुद्ध था। लोटा विद्रोह 1856 में मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था, पीतल के स्थान पर मिट्टी का लोटा मिलने के विरोध में। वन मिनट रिविजन सीरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।